महाराष्ट्र में भी योगी सरकार की तर्ज पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। मुंबई के नजदीक मीरा रोड इलाके में महाराष्ट्र सरकार का बुलडोजर एक्शन देखने को मिल रहा है। ये एक्शन अवैध निर्माण और अवैध रूप से कब्जा किए हुए दुकानों और घरों पर चल रहा है और आप देख सकते हैं ये पुलिस बल और पुलिस बल के साथ साथ सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स और इस सुरक्षा के बीच में ये जेसीबी मशीनें अवैध निर्माण को तोड़ रही हैं। जितने भी इलाके में अवैध निर्माण है उसे तोड़ रही है। ये मीरा रोड का नया नगर इलाका है, वही नया नगर इलाका जहां पर 48 घंटे पहले दंगा हुआ था, उपद्रवियों ने पत्थरबाजी की थी, हिंसा की थी और जो गुंडागर्दी की थी उसके खिलाफ अब पुलिस का बड़ा एक्शन होने के बाद अब महानगरपालिका का मीरा रोड भाईंदर महानगरपालिका का एक्शन देखने को मिल रहा है। दरअसल 21 तारीख की रात को जिस प्रकार से श्री राम नाम का झंडा लगाकर जो वाहन गुजर रहे थे नया नगर इलाके में उन वाहनों को तोड़ा गया। उन वाहनों को तोड़ने के बाद उस गाड़ी में बैठे हुए लोगों के साथ मारपीट की गई और उसके बाद पुलिस हरकत में आई और करीब 17 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया है जिसमें 4 नाबालिग भी हैं। जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा हुई उस दिन भी मीरा रोड के नया नगर इलाके में हिंसा हुई, आसपास के इलाके में हिंसा हुई, शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी हुई। तब महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने साफ तौर पर कहा कि इस प्रकार की घटना को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, जो कानून व्यवस्था अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि इलाके में जो भी अवैध निर्माण है, अवैध काम होते हैं वो पूरी तरह से खत्म किए जाएंगे, अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, अवैध घरों को तोड़ा जाएगा और इसीलिए देखिए किस प्रकार से पुलिस बल यहां पर डिप्लॉय किया गया है। मीरा रोड भाईंदर की पुलिस यहां पर तैनात है, साथ ही साथ सीआरपीएफ की रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी यहां पर तैनात है। रैपिड एक्शन फोर्स की एक यूनिट जो कि 120 जवानों की एक प्लाटून है वो यहां पर खड़ी है और अलग अलग चौक चौराहा पर सुबह से ही खड़ी है ये देखने के लिए कि कोई लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति खराब ना हो। वहीं दूसरी तरफ देखिए किस प्रकार से ये कार्रवाई की जा रही है, अवैध निर्माण तोड़े जा रहे हैं। जैसा कि उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि अवैध निर्माण तोड़े जाएंगे, अवैध कब्जे की जगह को खाली कराया जाएगा और यहाँ सड़क के किनारे इस प्रकार से अवैध निर्माण हुए हैं और आप देख सकते हैं सड़क पर जो फुटपाथ है उस फुटपाथ पर बड़ी बड़ी दुकानें बनाई गई, पतरे और टिन शेड की मदद से ये दुकानें बनाई गई थी और उन दुकानों को तोड़ने का काम यहाँ पर किया जा रहा है। देख सकते हैं किस प्रकार से अवैध निर्माण तोड़ा जा रहा है। आसपास के इलाके में काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो गई है, कुछ लोग अपने घरों में ही बैठे हुए हैं, घरों की छतों से खिड़कियों से देख रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। कुछ लोग अपने मोबाइल में तस्वीरें कैद कर रहे हैं और देख सकते हैं कि किस प्रकार से कड़ी सुरक्षा के बीच ये अवैध निर्माण पर तोड़क कार्रवाई चल रही है। आप देख सकते हैं रैपिड एक्शन फोर्स की टीम भी है, यहाँ तक MSF के जवान भी यहाँ पर हैं, पुलिसकर्मी भी यहाँ पर तैनात है और पूरे रोड को पहले तो बंद कराया गया दोनों तरफ बैरिकेड लगाकर। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे सामने तस्वीर दिखाई है किस प्रकार से बैरिकेड लगाकर सबसे पहले रोड बंद किया गया, पूरी सुरक्षा व्यवस्था यहाँ पर बढ़ा दी गई और उसके बाद जो भी अवैध निर्माण है उस अवैध स्ट्रक्चर को, अवैध कब्जे को खाली कराया जा रहा है, अवैध ढांचे को तोड़ा जा रहा है। ये साफ साफ संदेश है कि जिस प्रकार से 21 तारीख और 22 तारीख को घटना हुई थी जिन्होंने कानून को अपने हाथ में लिया वो इसी नया नगर इलाके के हैं और साफ उन्हें संदेश दिया गया कि कानून और लॉ एंड ऑर्डर की में छेड़छाड़ या कोई भी व्यक्ति कानून व्यवस्था को खराब करेगा तो उसे छोड़ा नहीं जाएगा और यहाँ पर तोड़क कार्रवाई हो रही है। कहीं ना कहीं ये उत्तर प्रदेश की सरकार यानी योगी सरकार के बुलडोजर मॉडल का असर दिख रहा है कि जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खिलाफ सरकार एक्शन में रहती है और बुलडोजर एक्शन करती है, बस कुछ उसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि बुलडोजर एक्शन हो रहा है। तमाम जो कब्जे वाली दुकानें थी उन कब्जे वाली दुकानों को पूरी तरह से तोड़ा जा रहा है, तोड़कर गिराया जा रहा है। यहाँ पर कई दुकानें खुल गई थी, रेस्टोरेंट भी खुल गए थे, फल सब्जी की दुकान भी खुल गई थी, चिकन मटन के शॉप भी खुल गए थे, चाइनीज खाने के फूड यहाँ पर पार्सल दुकानें खुल गई थी और ये देखिए किस प्रकार से यहाँ पर तोड़क कार्रवाई की जा रही है। मशीनों को जो बड़ी बड़ी मशीनें थी यहाँ पर होटल की वो देखिए किस प्रकार से खिलौने की तरह तोड़कर फेंके जा रहे हैं। इसी के ठीक पीछे देखिए लोग किस प्रकार से जो घरों में रहते हैं वो किस प्रकार से इस पूरे नज़ारे को देख रहे हैं।
ये पूरी तोड़क कार्रवाई यहाँ पर हो रही है मीरा रोड इलाके में, और ये तस्वीरें बताती हैं कि जिस प्रकार से ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उससे सरकार बहुत आक्रोशित है और महानगर पालिका को साफ हिदायत दी गई थी कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, और इसीलिए महानगर पालिका का एक्शन यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दो बातें हैं कि क्या अगर ये अवैध कब्जा है और पहले से अवैध तरीके से दुकानें चल रही थी तो क्या ऐसी घटना होने का महानगर पालिका इंतजार कर रही थी? क्या इसके पहले महानगर पालिका को ये समझ नहीं आ रहा था कि यहाँ पर अवैध निर्माण हुए हैं, अवैध कब्जा हुआ है और आज इस प्रकार का बुलडोजर एक्शन हो रहा है, या फिर सरकार यहाँ से कोई संदेश देना चाहती है? देख सकते हैं किस प्रकार से पूरी तोड़क कार्रवाई की जा रही है, जेसीबी मशीनों की मदद से ये तोड़क कार्रवाई की जा रही है, और यहाँ देख सकते हैं किस प्रकार से जेसीबी मशीनें यहाँ पर बुलाई गई हैं। थोड़ा सा आपको मुख्य सड़क की ओर लेकर चलते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति ना खराब हो और कोई भी व्यक्ति कानून अपने हाथ में ना ले, इसके लिए यहाँ पर रैपिड एक्शन फोर्स, महाराष्ट्र सिक्योरिटी फोर्स, मीरा रोड भाईंदर पुलिस के जवान, तमाम लोग यहाँ पर खड़े हैं। नया नगर इलाके में, मीरा रोड के नया नगर इलाके में जो भी अवैध निर्माण है, अवैध कब्जा है, उस पर तोड़क कार्रवाई की जाएगी, इस प्रकार का साफ संदेश महानगर पालिका से की तरफ से दिया गया है। ये देखिए वज्र, जो कि रैपिड एक्शन फोर्स टीम का एक दंगल नियंत्रण वाहन है, और जवान जो कि यहाँ पर मौजूद हैं, सैकड़ों की संख्या में पुलिसकर्मी यहाँ पर मौजूद हैं, और पुलिसकर्मियों के साथ 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 ही महानगर पालिका के अधिकारी कर्मचारी यहाँ पर पहुँचे हैं जो तोड़क कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। ये तस्वीरें बताती हैं कि पिछले 48 घंटे में मीरा रोड के नया नगर इलाके में काफ़ी कुछ हुआ है। एक तरफ 21 तारीख को जहां श्री राम का झंडा लगाकर गुजरने वाले वाहनों को उपद्रवियों दंगाइयों ने तोड़ा, लोगों के साथ मारपीट की, बेरहमी से मारा, 12 साल 8 साल के बच्चों को मारा। वहीं दूसरी तरफ सरकार ने 17 लोगों को गिरफ्तार किया जिसमें 4 नाबालिग भी हैं। सोशल मीडिया पर धमकी भरा और उकसाने वाला वीडियो बनाने वाले लोगों को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया, उन पर कार्रवाई की, और अब देखिए किस प्रकार से ये एक्शन, बुलडोजर एक्शन हो रहा है। जितने भी स्ट्रक्चर हैं अवैध, उस स्ट्रक्चर को तोड़ा जा रहा है। ये फुटपाथ है और फुटपाथ पर जो कब्जा था उस कब्जे वाली जगह को खाली कराया जा रहा है। यहाँ पर अलग अलग दुकानें खुल चुकी थी, कोई गन्ने की दुकान खुली हुई थी तो कोई चाइनीज फूड की दुकान खुली हुई थी तो कोई स्नैक्स की दुकान खुली हुई थी। इन तमाम दुकानों को खाली कराया जा रहा है और अवैध निर्माण को तोड़ा जा रहा है। ये तस्वीर मुंबई के नज़दीक मीरा रोड के नया नगर इलाके की है जहां पर पिछले 48 घंटे में काफ़ी कुछ घटनाक्रम हुआ है, और देखिए किस प्रकार से बुलडोजर लाइन से ये डिमोलिशन कर रही है। साफ चेतावनी उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया था और कहीं ना कहीं उसका असर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। देवेंद्र फडणवीस ने जो चेतावनी दी थी वो साफ तौर पर यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि महानगर पालिका एक्शन में है और एक्शन मोड में रहकर ये तोड़क कार्रवाई कर रही है। ये तस्वीरें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के मॉडल के तर्ज पर महाराष्ट्र सरकार भी एक्शन में है और जो कब्जे की जमीन है या फिर अवैध निर्माण है उस पर महानगर पालिका का बुलडोजर चल रहा है, और साफ संकेत यहाँ पर जानकारी दी गई है कि जो भी अवैध निर्माण है उस अवैध निर्माण को यहाँ से हटाया जाएगा। कैमरामैन धर्मेंद्र पांडे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज़, मीरा रोड।